एकदम पेड़ से तोड़ नहीं चल रही इतनी इतनी छोटी चार। भाई देखो ये कहाँ चढ़ के बैठा हुआ पापा के सर। किसे बोलते हैं असली ऑडी। एक बार में नहीं जाना टिका दिया यार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त होस्ट अमन मेहंदी रहता फिर से एक नया व्लॉग लेकर आया हूँ। और आप लोग सोच रहे हो कि अभी अपन तैयार हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भाई, मतलब जा कह रहे हैं, सच बताऊँ नैनीताल के अंदर हैं। व्लॉग स्टार्ट नहीं करा था, मतलब मन नहीं कर रहा था स्टार्ट करने का, हम सोचते वहीं स्टार्ट करेंगे जाके। तो सुबह हो चुकी है, हमने स्टे कर लिया है, रात को हम पहुँच गए थे। हमने 20 किलोमीटर पहले ही कमरा ले लिया था ताकि ऊपर जाके दिक्कत ना हो। हमने स्टे कर लिया है, उसके बाद अब रेडी हो गए हैं और आज का कुछ इस तरीके से। तो फिर हम निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। अब ये कर रही है मैडम बैग पैक। हम छोटा सा बैग लेकर आए हैं, एक एक जोड़ी कपड़े लेकर आए हैं, ज़्यादा नहीं लेकर आए। हम फर्स्ट टाइम एक दिन के लिए आए हैं नैनीताल, वो भी बिना किसी को बताए, बस एकदम से अचानक प्रोग्राम बना और आ गए। मैडम रेडी हो गई, चले मैडम चलो। गुड मॉर्निंग, देखो यहाँ पर इस तरीके से होती है पहाड़ों की गुड मॉर्निंग। ओए घर से निकलते ही खेत, ऐसा घर होना चाहिए भाई, दिल्ली के अंदर ऐसी जगह नहीं मिलती। और ये देखो चिल्ड्रन पार्टी, हमारी दूसरी सेकंड टीम। हेलो कर दो परी, हेलो करो, हेलो आ जाओ भाई। स्टार्ट हो गया हिल स्टेशन तगड़े वाला। पहाड़ों में कुछ मिले ना मिले, अल्टो जरूर मिलेगी आपको। कितने बज रहे हैं अभी? भाई जो धूप है ना वो दिल्ली से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। हमने सोचा था कि मौसम ठीक ठाक होगा लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। देख रहे हो सर के ऊपर है सूरज। भाई हमने लिया रास्ते में एक ब्रेक, अच्छी जगह बनी हुई है भाई, एक झील टाइप है, मतलब पानी है। ये सब अभी हुआ है मेरे ख्याल में, पिछली बार जब लास्ट टाइम आई थी ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, पर समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये वो है जिसके अंदर जाते हैं और गोल गोल आप धक्का दोगे तो वो सर्कल के बीच में जाता रहेगा, पर आप सेफ रहोगे पानी के अंदर, ये वो चीज़ है। सही है, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है। देखो हम उधर से चढ़ाई करते हुए इधर आए, नीचे आए हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैगी पॉइंट मिलेगी आपको, उसके बाद ये बीवी तो मेरी है यार, ये तो मेरे साथ ही रहती है। उसके बाद यहाँ से फिर चढ़ाई करनी है हमें, 8-9 किलोमीटर रहता है यहाँ से नैनीताल, फिर नैनीताल पहुँच जाएंगे। लो भाई नैनीताल पहुँचने से पहले क्या मिल गया, ट्रैफिक। आई थिंक चेकिंग चल रही है यहाँ पर, गाड़ियों को साइड में लगाया हुआ वहाँ पर, देखो क्या हो रहा है, हम भी देखते हैं चल के। ये सिस्टम है यहाँ पर, 6 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया गया और अब हम यहाँ से अपनी गाड़ी करते पार्किंग में खड़ी और यहाँ से हमें जाना पड़ेगा टैक्सी में, क्योंकि ऊपर उन्हीं को अलाउड है जो सुबह 8 बजे निकले थे। हमारी तो आदत ही सुबह लेट उठने की है, फिर भी हम 9 बजे उठ के आ गए थे। चलो अब चलते हैं इनकी गाड़ी में माल रोड तक। लो भाई अब बैठ गए हम बलेरो में। हाँ भाई फारूक तुम्हारी फार आ गई, ये फार नहीं है फलेरो है, इसको कहते हैं हम, पता है तुम्हें बलेरो है, ये बलेरो है। तो भाई मारते हैं दिन में 20 चक्कर, 650 रुपये पर चक्कर, तो 13,000 रुपये देख लो एक दिन का। यहीं एक गाड़ी डाल दें भाई साहब, रवि भाई यहीं एक गाड़ी डाल देते हैं लेकर। भाई आराम से चलाना, उल्टी भी कर देते हैं इतनी तेज में चलाना। तो लो भाई पहुंच गए नैनीताल। क्या बोलते हैं? काफल, काफल काफल। मम्मी को छोड़ दो जगाने, काफल काफल खाई काफल काफल। लो भाई पहुंच गए हम बैठेंगे चप्पू में, इसमें नाई में हेलो पैसे हर बार बढ़ते रहते हैं क्या भाई सब? छोटा राउंड जाएंगे, हाँ छोटा राम बोट है। वहाँ मंदिर पे जा सकते हैं? ये हमने कर लिया ताऊजी को बुक, 320 रुपए में जाएंगे हम वहाँ नदियों पार। चले मैडम चलो जी, जोर लगा के आइया, लगाओ अंकल जी जोर। चलो जी हमारी मोहतरमा तो चली आराम से, चलो
कुछ नहीं होगा, नहीं पलट रही तुम यार, चलो ए पलट जा। श्वेता को मिल गई शीता डिलक्स, नहीं शीतल डिलक्स है भाई, शीतल डिलक्स। अब अपनी बारी है भाई पैर रखने की। लो भाई हम बैठ गए नाव की कश्ती में और मजे ले रहे हैं नैनीताल के पहाड़ों की। रोप पे वो जा रहा, देखो रोप पे की टिकट लेनी थी हमें पहले, हमने ली नहीं, वो जा रहा ऊपर रोप पे ना। अच्छा। वो हिमालय भी के लिए जा रहा है, मजा आ रहा है भाई यहाँ। बैग बैग भी लग जाए तो दो तीन मजा ही आ जाएगा ना, वाला मजा आ रहा। देख रहे हो हम बीचों बीच है इस टाइम, उसके बाद हम जाएंगे रोप पे वहाँ पहाड़ों में और ये सारा नैनीताल है पूरा कवर कर लेते हैं। सब वोटिंग कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं और मोहतरमा देखो कितने मजे ले रही है हमारे यहाँ बैठी हुई आराम से, मजा आ रहा है। ठीक है, जैसी भीड़ बताई थी वैसी भीड़ है नहीं, ठीक ठाक है। हमारी नाव आपस में मिलेगी अब, ये देखो टकराव हो गया, ये दोनों गाड़ी मिल गई, हमारी गाड़ियाँ मिल गई दोनों की। हेलो, शायद कुछ लोग हमें कभी नहीं समझ पाएंगे कि शहरों के शोर से दूर इन वादियों में होने की फीलिंग क्या होती है। हेलो भाई, हमारी वोटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, काफी मजा आ गया, बीच में जाए गए मजा आ गया। वो पैदल वाली में जाते हैं ना, बत्तख वाली में, साइकिलिंग वाली में दर्द हो जाता पैरों में, इसलिए हम गए नहीं, पर अंकल फटाफट लेके गए, मजा आ गया। बीच में हमने रोका, वीडियो बनाई, खूब इंजॉय करा, इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर नहीं सकते भाई, इतना टाइम होता है इसका, तो मजा आ गया। उसके बाद चल रहे हैं रोपवे पे, अब देखो सामने से जब बोट आती है ना तो कैसा फील होता है, उधर से जैसे अपने पास हम गाड़ी निकालते हैं ना एक दूसरे के पास, तो वो फील आती है एकदम। लो भाई मुगल वाला ड्रेस सब, रवि भाई तो लग रहे हैं एकदम राजा, अशर्फियां लुटाने के लिए तैयार हो जाओ। पर ये फोटो अपने स्टाफ में दिखा देना। परी पापा सब, पापा और मम्मी पहचान में आ रहे हैं नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, तुम्हारे पापा नहीं है, तेरे पापा है भाई, है समझ में नहीं आ रहे। तो भाई फाइनली अब आ गए हम रोप वे की टिकट लेने, अडल्ट के 360 और बच्चे के 260। पहले यहाँ से सूचित कर लेंगे आपकी टिकट कंफर्म हुई है कि नहीं, तभी आपको वेटिंग मिलेगी। और यहाँ से साइकिल है, साइकिल से करने का मजा ही अलग आएगा, ये भी रोप वे वाली साइकिल है, पर हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं नैना देवी मंदिर। और देखो एक चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, चारों चीजें एक ही पॉइंट पे, डिस्टेंस वॉकिंग का ज्यादा दूर नहीं है, तो हम मंदिर जा रहे हैं पहले। भाई देखो ये कहाँ चढ़ के बैठा हुआ पापा के सर पे है भाई, पापा को बैठा लियो, बड़ा हो जाएगा जब पापा को बैठाइए फिर कंधे पे, ठीक है। चलो भाई प्रसाद यहीं से ले लो, तो माता रानी के दरबार पे काफी ज्यादा भीड़ है। देखो नैना देवी मंदिर जो हिमाचल में भी है। पर झील, झील के पास में मंदिर है, अपने शिव जी का मंदिर यहाँ है। ओम नमः शिवाय। तो देखो भाई ऐसा है, नैनीताल में भीड़ बढ़ती जा रही है, तो अगर आप आओ नैनीताल तो अपना रूम बुक करके आना जिसमें पार्किंग हो, तभी आप अपनी गाड़ी से यहाँ तक आओगे। बाहर इधर से आओ, इधर से आओ। रोपवे की टिकट ले लिए, घंटे बाद वेटिंग टाइम था वो कंप्लीट हो गया, अब हम जा रहे हैं रोपवे। तो वही रोपवे की वेटिंग अभी चल रहा है, 39 नंबर वहाँ पर, और हमारा 41 है, मतलब हमारा पहले आने वाला है, 5-10 मिनट और लेट होते तो हमारा रोपवे खत्म हो जाता आज। ये वेटिंग कक्ष है, कक्ष हमने करा दी एंट्री, अब हम जा रहे हैं ऊपर, हमारा नंबर आ गया। हमसे पहले के भी लोग बैठे थे लेकिन हम वेटिंग में टिकट लेकर निकल चुके थे घूमने के लिए, तो ये फायदा आप रोपवे की टिकट ले लो पहले ही और आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, इतने बजे वापसी आओ, और वेट करने से अच्छा है। और यहाँ से एंट्री है, ओ नो मास्क नो एंट्री, ओ वाह, यहाँ से आएगा रोपवे और वो जा रहा है अभी, जूम कर दूँ क्या, ये देखो ये यहाँ आएगा अभी पायलट। तो भाई अपनी मर्सिडीज आ गई,
बड़े जरा जा साइड हो जा इधर आ टिकट दिखा दो किसके पास किस क्यूटी पाई का पहला रॉप पे है फोटो खींच सो फाइनली अब बैठ गए हम रॉप पे में इसको डर लग रहा है भाई बहुत ज्यादा यार देखना तुमने कैसी फोटो खींची है पीछे कुत्ता आ रहा है मेरे को इंस्टाग्राम पे डालनी थी ये नहीं डर रही इतनी छोटी 4 महीने की बच्ची ये नहीं डर रही ये 24 साल की है पर ये डर रही है नहीं डरती ना बिल्कुल भी परी भी नहीं डरती परी भी नहीं डरती परी अब भाई साहब क्या व्यू है ये है व्यू तो यहाँ से नीचे का देख कुछ नहीं कुछ नहीं चलो भाई लव पॉइंट आ गए हम भाई पहुंच गए हम लव पॉइंट पे बोल दरवाजा कौन है तू कमीने मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ मैं मंजुलिका क्या करने मस्त व्यू है यहाँ से इधर पीछे पूरी खाई है नीचे धक्का दे दूं किसी को तो कोई बचेगा नहीं तेरे को दे दूं इसको दे दूंगा एक धक्का मेरे बिना रह लोगे तुम कोशिश करेंगे तो राय लेंगे तो नैनीताल में भी मिल गया हमें नैनोसोर पार्क चलो निकल जा इसे खा जा इसे दुखी कर रखा मेरी बीवी ने खा जा ओए डायनासोर आ गया ओए ओ ओ कैसे जीप निकाल रहा फड़फड़ा रहा है ले नकली डायनासोर से हमें डराया जा रहा है चलो कोई बात नहीं एंजॉय कर लेंगे ये आपको मैं बता दूं जो आपकी रोपे की टिकट होगी उसके अंदर इंक्लूड होगा आपको अलग से पे नहीं करना अगर अलग से पे करना पड़ेगा अगर आप अपनी गाड़ी से आओगे तो 60 रुपए की टिकट है भाई सुना है यहाँ से डायनासोर निकल के आएगा और डायनासोर के अंडे भी यहीं कहीं हैं तो हम जंगल में आ चुके हैं देखो डायनासोर के अंडे हीरे और कंकाल भी पड़ा है यहाँ पर आ रहा है ओए बाज आ गया वो आ रहा है बाज ये चीख रही है आंटी गुस्सा कर रही है चीख चीख तुम्हें तुझे घर जाके बताऊंगी चीख इसमें तो कोई इंसान घुसा हुआ है यार ये तो बेवकूफ बना रही है तो लोग गाइस डायनासोर आ गया कौन कहता है इंडिया में डायनासोर नहीं है पिक्चरों में दिखाया जाता है हमने लाइव देखा ये मस्त था तेज चल रहा है एक बार दोबारा कर दे भाई खुर ये तो डायनासोर को कम आउट कर रही थी बच्चे कहाँ गई डायनासोर आ गया बाहर जाओ डायनासोर देखो इसको डरा दे भाई एक बार नकली है ए मारो चाटा ए चाटा मारो चाटा हो गया बच्चे डर गए हो गए थैंक यू भैया ओ भाई साहब ये पहले जगह था ये शूटिंग है अपने अच्छा बोतल गिराने का क्या मिलेगा फिर देना पड़ेगा तो घाटे में जाएगा लगाओगे फौजी साहब अरे अब तो दिखा दो अपनी फौजी बनती यहाँ तो इतना तो खर्च करा है ये भी सही चलो 50 रुपए की बात है 5 छर्रे ये चलाएंगे 5 में ठीक है अंकल ये लो इनका नंबर आया ये लगाया छर्रा पहला ओ भाई साहब पहला ही लगा दिया ना तो यार कमाल की बात है आर्मी वाले बंदे अंकल जी चलो जी इनकी एक और हो गई वो मेटल मार के दिखानी है चलो जी और ये यहाँ से निकलेगी टक ओ भाई साहब ये भी मार दी इन्होंने यार मेटल वाली भी मार दी इन्होंने तो बंदूक चलाना आ दिया यार आपको यार कमाल कर दिया यार आपने रास्ते में ही ले लेते नहीं कैसे मार रहे बच गई
क्या बात है। ये गिच्ची की बारी, हम चलाएंगे बंदूक और उड़ाने किसको बता देते मैं उड़ाने अंकल जी कह रहे पहले उधर उड़ा दो, तो गिच्ची का निशाना लगता तो है नहीं लगेगा। हाँ हाँ शाबाश, ये ना कट कर आई नहीं। वाह वाह, तीन एक साथ तीन तीन बोतल उड़ा दी तुमने। तीनों एक लाइन पे होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बेटू हटो, निशाना कहाँ लगाना है, वहाँ बॉटल पे लगाना है। बेटा एक मिनट, एक ही लगे उधर लगवाता हूँ। कहाँ पर है? ओह माय गॉड, वहाँ पर गाइस आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ कह रही हूँगी, मैं कह रही हूँ वहाँ पर। वाह लग गया, बम हो गया बम। कैसा लगा? मजा आ गया। चलो जी आ जाओ। तो अब मारेगी हमारी बीवी निशाना, ये चला दो, चलाओ। एक बार में निशाना टिका दिया यार, नना यार। मजा आया है। भाई चूड़ियों की दुकान है यहाँ पे, कड़े ही कड़े हैं सारे लड़कियों के, और अंकल के हाथ में बिल्ली भी है, और मौसम चेंज, उन्हीं के पास है बोतल। चलो खा रहे हैं मोमोस खाएंगे। आओ लो भाई, अब जाने का वापसी टाइम है, अब निकल रहे हैं हम वापसी। और देखो आने वालों के लिए ट्रैफिक कितना खतरनाक है, 2 किलोमीटर से चालू हो चुका है ट्रैफिक। हम तो जा रहे हैं भाई, ये लोग फंसेंगे अब जाकर, क्योंकि कल है संडे और आज है सैटरडे, इसलिए हम शुक्रवार को आए थे। पूरा लंबा जाम है। तो बाय बाय नैनीताल। नैनीताल आओ वैसे एक दिन के लिए, बहुत है यार, कुछ है नहीं इतना खास, एक दिन में ही घूम लोगे वैसे सेम डे में, कोई दिक्कत नहीं है। आओ मैं तुम्हें ले चलूं लीची के शहर में, तारों के शहर में नहीं, लीची के शहर में। देख रहे हो भाई पूरा लीची का गोडाउन है, ये देख रहे हो, ये देखो, ये जूम करके दिखाता हूँ, पूरा लीची से भरा हुआ भाई। नैनीताल जाओगे रास्ते में बहुत सारी मिलेंगे ऐसी लीचियों वाले पेड़, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा भाई। देखो इसकी रखवाली कर रहे हैं भाई साहब, किलो के हिसाब से देंगे 120 रुपये किलो। वो भाई चढ़ गए हमारे लिए तोड़ रहे हैं। एकदम पेड़ से तोड़ के सीधा छील ली और खा ली, इसे कहते हैं लीची का स्वाद। क्यों रवि जी? और ताऊ ये क्या कर रहे हो? देखो ताऊ ने जुगाड़ बना रखा है, वहां टीन का डब्बा टांगा हुआ है, रस्सी बांधी हुई यहाँ से, और ताऊ लाते हैं घंटी बजती है, तोते भाग जाते हैं, क्योंकि तोते आते हैं लीची को नुकसान करते हैं। क्यों ताऊ? तो ताऊ बगीचा आपका ही है, किराए का है? अच्छा मैं लीची आपके सामने हैंड टू हैंड तोड़ूंगा, देखना अभी बढ़िया सी लीची तोड़ता हूँ अपने लिए। अरे यार यहाँ तो सारी लाल नहीं है, कुछ कच्ची है, पक्की किधर है? अच्छा वो तोड़ रहे हैं भाई, वो तोड़ रहे हैं भाई, उसकी खाएंगे। लो दोस्तों मैं आपको लेकर आ गया हूँ लीची के शहर में, ये देखो लीची ऐसे खाते हम बिल्कुल, मतलब ऐसी जगह घर ले लें देवी जी, रोज सुबह लीची का नाश्ता करा करेंगे। हाँ लीची का जूस, लीची के पराठे मिल रहे हैं ना, अभी तोड़ते हैं एक ताजी लीची। लाल तोड़ेंगे एकदम लाल लीची तोड़े भाई तुम्हारे भाई ने, उसको खाएंगे। ऐसे सिक्सेक रास्ते पे चलने का मजा ही अलग है। कहाँ चलना है? जिम कॉर्पोरेट चलना है, काशीपुर चलना है। जिम कॉर्पोरेट कितना दूर है यहाँ से?
50 किलोमीटर जिम कॉर्पोरेट है यहाँ से। दिल्ली का बोर्ड है ना, दिखा मुझे ऊपर। इसे बोलते हैं असली ऑडी, कहीं भी घुसा देता भाई गाड़ी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गढ़गंगा मुक्तेश्वर, आपके लेफ्ट साइड में ही है। अब लेंगे स्टे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे, भूख लग रही है बच्चों को भी और अपने को भी। तो इसको ज्यादा भूख लगती है मेरी बीवी को। अभी मोमोज खाए 2 बजे, 2 प्लेट इसने खाए, कितने। अरे ये हाथ क्यों दे रहा मुझे, मैं ना रोकने का गाड़ी उड़ा और दूं। 12 बजे से लगे फिर बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे और फिर घर निकलेंगे, क्योंकि जाकर रेस्ट करेंगे। हैं दाल मंगा लो, जो मर्जी मंगा लो, मुझे कुछ थोड़ा सा खाना बस। कुंज खाएगा खाना, गर्मा गर्म भूख लगी है। तो फाइनली अब खाएंगे आराम से खाना, ये हमारा लास्ट ट्रिप का लास्ट डिनर है परी, ये लास्ट है। अब इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा, देखते हैं इसको कितने स्टार देते हैं। हाँ, इसको कितने स्टार देते हैं, इसकी साफ सफाई कितनी है। वैसे तो लग रहा है ठीक ठाक बढ़िया बना हुआ 5 स्टार। हमने मंगा दिया भाई शाही पनीर, कढ़ाई मशरूम और मिस्सी रोटी और तंदूरी रोटी। शक्ल के 12 बज रखे इस टाइम, बस अब जाके घर जाके सोना है भाई। खाना खा के निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन मज़ा आ गया घूम के नैनीताल में। कसम से स्टेटस पहले लगा रहा है। फाइनली अब अपना आखिरी टोल आ चुका है, इस टोल के बाद कोई टोल नहीं है और फिर हम सीधा दिल्ली में एंटर करेंगे। तो भाई घर पहुंच चुका है, रात हो चुकी है, 12:30 बज चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं घर। तो भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके बताना और नैनीताल जाने से पहले सोच लेना, इस टाइम जाओगे तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी। हम तो होके आ गए टाइम से, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।